भोजपुरी सिनेमा की ताजा तरीन खबरों के लिए बिंदास भोजपुरिया के साथ जुड़े ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी के निशान पर क्लिक करें। बिंदास भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, मतलब सारी खबरें मुफ्त में पाएं। लेकिन फाइनली डेट 8 जून को हुआ है और हम चाहते हैं कि हमारी पिक्चर अच्छे से रिलीज हो। मतलब 8 जून को फिक्स फिल्म रिलीज हो रही है जी। कहां कहां रिलीज कर रहे हैं आप, कितने स्क्रीन्स मिल रहे हैं? पूरे ऑल इंडिया में रिलीज कर रहे हैं, 1000 से 1200 स्क्रीन अभी बोनस हो जाओ। 1000 से 1200 स्क्रीन जी होंगे। और काफी डिले हुआ मिश्राजी फिल्म की रिलीज के लिए, देरी काफी हुई, कोई खास वजह इसके पीछे? वही वजह नहीं थी, थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट हो गई थी जिसके वजह से अभी सारी कुछ सुधार हो गई है। मतलब इस बार डेट लॉक कर दी है? बिल्कुल बिल्कुल, डेट लॉक हो गया है सर, 8 जून 2018। I was really excited for sure. So the 16th February, it was really like good for me because my exams were also coming. So I thought that the promotion will be done, and I'm okay with this date also because my exams are over now and the promotions, we are going to do the promotions nearby. So even a time of less than a month are left, how will you promote it now? I mean, what will be your plan now? I have to go to the cities. I need to like. Make my fans, right? So I'll go to many cities. I'll do a city tour like to Jaipur, Delhi, Mumbai, main Mumbai and Delhi. ये सही बात है कि जो चीज़ें टाइम से करी जाएंगी तो ज़्यादा बेनिफिट होता है, बट ऐसा हमारा ज़्यादा डिले भी नहीं हुआ कि उसको लेकर के बहुत सारा लॉस हो गया। अभी भी जो टाइम यहाँ तो आपको दो दो तीन तीन सालों में भी रिलीज होती है, ऐसा नहीं कि 2017 में जो जितनी भी मूवी शूट हुई थी वो रिलीज हो गई। ये तो कॉमन बात है, बड़ी बड़ी मूवियों का भी आगे पीछे होता ही है भी। मैं वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और दिन पर दिन आपको बड़ाई दिखेगा, वो छोटा नहीं दिखेगा। इंद्र कुमार साहब होंगे हैं, उनकी डेथ हो चुकी है और दुख तो जरूर होगा उनका, लेकिन उनकी कमी को कैसे भरा जाए या फिर क्या कहते हैं? देखिए, मैं निवेदन करूंगा कि वो जहाँ भी है वो उनकी आत्मा को शांति मिले, और जब कोई भी क्षति होती है उसको कोई पूरी नहीं कर सकता है ये, और जो स्वर्गवास का उनका सवाल है तो एक ना एक दिन सबके साथ में ऐसा होता ही सबका होगा। और हम क्षति को आज आपके साथ में यहाँ बैठे हैं, अपने अथक प्रयासों के द्वारा हम कोशिश करेंगे कि उनकी ये लास्ट मूवी है, हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमा घरों में दिखाएं, और उनको देख करके जो उनके फैंस हैं उनको थैंकफुल बोले। श्यामल जी, अभी मैं ये पोस्टर बनवाया था, ऐसा नहीं कि पोस्टर चेंज किया है, हमारे तीन तरह के पोस्टर थे, सिक्स सीटर, उसमें से ये भी एक भाई पहले से हमने डिसाइड किया था, और इसमें काफ़ी मेहनत करके बनाया गया सर कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल जैसा लगे कस्टमर।